अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MBBS एंड BDS लेक्चर्स। आज का जो वीडियो नंबर है हमारे यूट्यूब चैनल पर वो है 342, मतलब 341 और भी इसी तरह के वीडियो मौजूद। और आज का जो लेक्चर है हमारा वो है जनरल पैथोलॉजी रिलेटेड, और जो टॉपिक है आज हमारा वो है सेलुलर अडाप्टेशन। तो आज के टॉपिक में जो हमारा टॉपिक आउटलाइन है वो सबसे पहले ये है कि वर्ड अडाप्टेशन से क्या मुराद है, दूसरा सेलुलर अडाप्टेशन की डिफिनेशन हम पढ़ेंगे, और तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेलुलर अडाप्टेशंस, सेलुलर अडाप्टेशन की जो टाइप्स है वो पढ़ेंगे, और चौथे नंबर पर हम ईच टाइप डिटेल पढ़ेंगे, यानी हर टाइप के हम डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्ड अडाप्टेशन से क्या मुराद है। वर्ड अडाप्टेशन को इस तरह डिफाइन करते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म का, सेल का, ऑर्गन का, टिश्यू का एक न्यू एनवायरमेंट के अंदर फिटनेस, अपने अंदर चेंजेस लाके, इसे कहते हैं अडाप्टेशन। जैसे कि हम जो है गर्म सिटी से कोल्ड सिटी की तरफ जाते हैं वार्म से, या वार्म कंट्री से कोल्ड की तरफ जाते हैं, तो हम अपने अंदर चेंजेस लाते हैं ताकि वहां उस माहौल को हम अडाप्ट करें। किस तरह हम अपने ड्रेसिंग में चेंजेस लाते हैं, तो ये हुआ अडाप्टेशन का डिफिनेशन। अब हम आते हैं डिफिनेशन ऑफ सेलुलर अडाप्टेशन। सेलुलर अडाप्टेशन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, इसका डिफिनेशन ये है कि जब नॉर्मल सेल पर स्ट्रेस पड़ता है तो उसकी वजह से सेल अपने अंदर चेंजेस लाता है, अपने आप को इंजरी से बचाता है, तो वो अपने अंदर अडाप्टेशन लाता है, चेंजेस लाता है, उसे कहते हैं सेलुलर अडाप्टेशन। लेकिन जब वो स्ट्रेस लिमिट से बढ़ जाए, यानी अडाप्टेशन के लिमिट से बढ़ जाए, तो फिर क्या हो जाता है, फिर सेल को होगी इंजरी, जो रिवर्सिबल भी हो सकती है, इरिवर्सिबल भी हो सकती है। ये हुआ डिफिनेशन। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ सेलुलर अडाप्टेशन, सेलुलर अडाप्टेशन के टाइप्स। आमतौर पर हमारे साथ 7 टाइप्स है सेलुलर अडाप्टेशन के। सबसे पहले हमारे साथ है हाइपर ट्रोपी, दूसरा है हाइपर प्लीजिया, तीसरा है एट्रोपी, चौथा है मेटाप्लेजिया, पांचवा है डिस्प्लेजिया, छठा है एप्लेजिया, और सातवां है हाइपोप्लेजिया। अब जो है सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइपरट्रोपी के बारे में डिटेल में। सबसे पहले हम हाइपरट्रोपी की डिफिनेशन पढ़ेंगे। डिफिनेशन हाइपरट्रोपिक ये है कि सेल के साइज में बढ़ जाना, जिसके नतीजे में उस अफेक्टेड ऑर्गन का साइज बढ़ जाए, इसे कहते हैं हाइपरट्रोपी। और हाइपरट्रोपिक ऑर्गन में नए सेल नहीं बनते, वही इनलार्ज हो जाते हैं। अब हम आते हैं डिफिनेशन के बाद हाइपरट्रोपी की मैकेनिज्म ऑफ हाइपरट्रोपी। हाइपरट्रोपी की मैकेनिज्म ये है कि हाइपरट्रोपी में क्या हो जाते हैं, उस सेल के अंदर प्रोटीन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, इसकी वजह से उसका साइज बढ़ता है। अब हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जो है हाइपरट्रोपी की, हर एक हम एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। तो फिजियोलॉजी का हाइपरट्रोपी की एग्जाम्पल क्या है, पैथोलॉजी की क्या है। फिजियोलॉजी की यह है कि स्केलेटल मसल हाइपरट्रोपी, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं। दूसरा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में जो यूट्रस की हाइपरट्रोपी होती है, यह है फिजियोलॉजिक हाइपरट्रोपी। अब हम आते हैं पैथोलॉजी का हाइपरट्रोपी कौन सी है, इसके हमारे साथ जो हाइपरट्रोपी है, हाइपरट्रोपी ऑफ कैरोटिड मसल ड्यूरिंग हाइपरटेंशन। जब हमें हाइपरटेंशन की डिजीज होती है, उस वक्त जो कैरोटिड मसल की हाइपरट्रोपी होती है वो पैथोलॉजी की। अब यहां पर जो डायग्राम है वो स्केलेटल मसल की है हाइपरट्रोपी, नॉर्मल मोनोसाइट, फिर उसके बाद उसकी अडाप्टेशन के दौरान हाइपरट्रोपी। अब हम आते हैं हाइपरट्रोपी के बाद हाइपरप्लेजिया की, उसी तरह डिफिनेशन, मैकेनिज्म और फिजियोलॉजिक और पैथोलॉजिक के एग्जाम्पल। डिफिनेशन हाइपरप्लेजिया की क्या है, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल ऑर्गन के अंदर या टिश्यू के अंदर नंबर ऑफ सेल का बढ़ जाना, इसे कहते हैं हाइपरप्लेजिया। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका मैकेनिज्म यह है कि हाइपरप्लेजिया में न्यू सेल जो है वो स्टेम सेल जो हमारे मौजूद है उसे नए सेल बन जाते हैं,
ये इसका मैकेनिज्म है। एग्जांपल क्या है, अब फिजियोलॉजिक एग्जांपल क्या है हाइपरप्लेसिया का, वो ये है कि वो दो है, एक है हार्मोनल, हार्मोनल मतलब इसमें हाइपरप्लेसिया हो जाता है ब्रेस्ट का और यूट्रस का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हार्मोन की वजह से, यह हार्मोनल। दूसरा है कंपनसेटरी, मतलब कमी पूरा करना। कंपनसेटरी में क्या हो जाता है, इसमें जो लिवर का वो पार्ट जो हमने पार्शियल हेपेटेक्टोमी के दौरान रिमूव किया था, उसकी रीजनरेशन होना, ये भी क्या है, हाइपरप्लेजिया है। अब हम आते हैं, ये तो वे फिजियोलॉजिक एग्जांपल, अब हम आते हैं पैथोलॉजिक हाइपरप्लेजिया की। एग्जांपल हमारे साथ है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, दूसरा हमारे साथ है वायरल इन्फेक्शन, ये है पैथोलॉजिक हाइपरप्लेजिया। अब आमतौर पर क्या होता है, हाइपरट्रोपी और हाइपरप्लेजिया एक साथ होते हैं, लेकिन जो नॉन डिवाइडिंग सेल है जैसे कि मसल का सेल है और नर्व का सेल है, इसमें सिर्फ हाइपरट्रोपी होता है, हाइपरप्लेजिया इसमें नहीं होता है क्योंकि ये सेल डिवाइड नहीं होते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे साथ है एट्रोपी। अब एट्रोपी क्या है, हाइपरट्रोपी का अपोजिट है। इसमें क्या हो जाता है, इसमें सेल का साइज डिक्रीज हो जाता है और वो उस आर्गन का साइज भी डिक्रीज हो जाता है, इसे कहते हैं एट्रोपी। और इसका मैकेनिज्म जो है हाइपरट्रोपी का अपोजिट है। इसमें एट्रोपी में क्या हो जाता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस है सेल के अंदर वो डिक्रीज हो जाता है और प्रोटीन की डीजेनरेशन बढ़ जाता है। अब हम इसके आते हैं एग्जांपल पर, एग्जांपल जो हमारे साथ इसमें उसी तरह फिजियोलॉजिक एग्जांपल पैथोलॉजिक। फिजियोलॉजिक में यह है कि यूट्रस का साइज का कम हो जाना चाइल्ड के बर्थ के बाद, ये क्या फिजियोलॉजिक है। उसके बाद नोटोकार्ड का एट्रोपी हो जाना, क्यों, मतलब वर्टिब्रल कॉलम करने के बाद, उसके बाद बनने के बाद, उसके बाद थायरोग्लोसल डक्ट जब थायराइड मौत से हमारे नेक रीजन में आती है तो उसकी एट्रोपी हो जाती है। ये तो वे फिजियोलॉजिक। अब हम आते हैं पैथोलॉजिक। पैथोलॉजिक में क्या है, एट्रोपी ऑफ डिस यूज, अगर हम किसी आर्गन को यूज नहीं करेंगे तो इसकी एट्रोपी हो जाएगी। दूसरा हमारे साथ है डीनर्वेशन एट्रोपी, अगर नर्व किसी एरिया का डैमेज हुआ तो वहाँ एट्रोपी होगी। डिमिनिश ब्लड सप्लाई, अगर ब्लड सप्लाई कम हुई तो वहाँ एट्रोपी होगी। इनएडुकेट न्यूट्रिशन की वजह से एट्रोपी होती है। और उसके बाद लॉस ऑफ एंडोक्राइन स्टिमुलेशन की वजह से पैथोलॉजिक एट्रोपी होती है। और उसके बाद प्रेशर की वजह से पैथोलॉजिक एट्रोपी होती है। अब यहाँ पर हम डायग्राम में देखेंगे ब्रेन की जो राइट हेमिस्फीयर है वहाँ की ब्लड फ्लो की वजह से एट्रोपी हुई है, यहाँ पर देख सकते हैं राइट लोब की। इसके बाद एट्रोपी के बाद हमारे साथ है मेटाप्लेजिया, मेटामिनेक्स्ट प्लेजिया। अब मेटामिनेक्स्ट मेटाप्लेजिया की डिफिनेशन क्या है, मेटाप्लेजिया एक रिवर्सिबल चेंज है जिसमें क्या हो जाता है, जिसमें एक सेल टाइप जैसे पिथिलियल या मेसेनकाइमल जो है वो दूसरे सेल टाइप से रिप्लेस हो जाता है, इसे कहते हैं मेटाप्लेजिया, चेंज हो जाता है। अब इसकी मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म मेटाप्लेजिया में ये होता है कि जो ऑलरेडी एपिथेलियल या कनेक्टिव टिश्यू सेल है उसका पिनोटाइप चेंज नहीं होता है, वो चेंज नहीं होता है, बल्कि वहां पर जो स्टेम सेल मौजूद होते हैं, जो अनडिफरेंशिएटेड सेल मौजूद होते हैं, मेसेनकाइमल सेल मौजूद होते हैं, वो जो है वो एक नए किस्म की एपिथेलियम या मेसेनकाइम में चेंज हो जाते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है, एग्जाम्पल इसका ये है जो मोस्ट कॉमन एपिथेलियल मेटाप्लेजिया है वो है कॉलमनर सेल का स्क्वेमस सेल में चेंज हो जाना। अब यहां पर हम देख सकते हैं राइट साइड पर हमारे साथ नॉर्मल कॉलमनर एपिथेलियम है और ये चेंज हो जाता है स्क्वेमस सेल में, इसे कहते हैं स्क्वेमस मेटाप्लेजिया। अब जो मेटाप्लेजिया है वो स्क्विमस टू कॉलमनर भी होता है, जैसे कि बेरेट एसोफेगस में, इसमें एसोफेगस के जो रिफ्लेक्स सिंड्रोम है इसकी वजह से क्या हो जाता है, आमतौर पर एसोफेगस में स्क्विमस एपिथेलियम ने लाइन किया लेकिन याद है कि कॉलमनर एपिथेलियम में चेंज हुआ है, तो स्क्विमस टू कॉलमनर भी चेंज होता है जैसे कि बेरेट एसोफेगस में। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू मेटाप्लेजिया भी होता है, इसमें इस तरह होता है कि उस टिश्यू में जिसमें आमतौर पर कार्टिलेज बोन एडिपोस टिश्यू मौजूद नहीं होता उसके अंदर बन जाता है, यह कनेक्टिव टिश्यू मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया के बाद हमारे साथ जो पांचवा सेलुलर अडेप्टेशन है वो है डिसप्लेजिया। डिसप्लेजिया को हम कैसे डिफाइन करेंगे, डिसप्लेजिया को इस तरह डिफाइन करते हैं कि ये एक डिसऑर्डर्ड सेल ग्रोथ है, इसका
डिस्प्लेजिया यानी डिसऑर्डर्ड सेल ग्रोथ को हम कहते हैं डिस्प्लेजिया। और मोस्टली जो है डिस्प्लेजिया को क्या कहते हैं कि ये जो है प्री कैंसरस सेल की प्रोलिफरेशन है, यानी कैंसर से पहले सेल है, ठीक है। और डिस्प्लेजिया क्या है, रिवर्सिबल है। अगर जो स्ट्रेस है उसको अगर आपने इनिशियली रिमूव किया तो ये क्या है, ये रिवर्सिबल है। लेकिन अगर स्ट्रेस परसिस्ट रहा तो डिस्प्लेजिया प्रोग्रेस करेगा और किस में चेंज हो जाएगा, इरिवर्सिबल यानी कार्सिनोमा में चेंज हो जाएगा जो इरिवर्सिबल है। अब डिस्प्लेजिया की हमारे साथ एग्जांपल क्या है, जो एग्जांपल ये है सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया CIN, ये क्या है डिस्प्लेजिया है और ये क्या है प्रीकर्सर टू सर्वाइकल कैंसर है, यानी इससे पे इसके बाद फिर कैंसर होता है। यहाँ पे देखिए जो सर्वेक्स है यूट्रस का वहां पर सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया ये क्या है, ये डिस्प्लेजिया है। उसके बाद छठे नंबर पर हमारे साथ जो सेलुलर अडाप्टेशन है वो है एप्लेजिया। एप्लेजिया का क्या मतलब है, डिफिनेशन क्या है, ए मीन विदाउट, डिफिनेशन क्या है, एप्लेजिया में एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान एम्ब्रियो के दौरान सेल की प्रोडक्शन ही नहीं होती है। अब इसका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल ये है जैसे कि यूनिलेटरल रेनल एजेनेसिस, एक साइड का किडनी बनता ही नहीं है इसमें। अब इस डायग्राम में हम देख सकते हैं राइट साइड पे जो किडनी है वो बिल्कुल अब्सेंट है, इसे कहते हैं एप्लेजिया, आई मीन विदाउट, बिल्कुल है ही नहीं। यहां देखे राइट साइड पर किडनी अब्सेंट है। सातवें नंबर पर हमारे साथ है हाइपोप्लेजिया, हाइपो मीन लेस। अब एप्लेजिया में बिल्कुल एब्सेंट है। हाइपोप्लेजिया में क्या होता है, इसमें एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान सेल प्रोडक्शन कम होती है जिसके नतीजे में जो ऑर्गन का साइज होता है वो क्या हो जाता है, स्मॉल रह जाता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल ये है कि टर्नर सिंड्रोम के अंदर जो यूट्रस है उसे कहते हैं स्ट्रीक, जो ओवरी है उसे कहते हैं स्ट्रीक ओवरी इन टर्नर सिंड्रोम यानी स्मॉल साइज की। यहां पर हम डायग्राम में देख सकते हैं टर्नर सिंड्रोम के अंदर जो स्ट्रीक ओवरी है ये क्या है, इसकी जो ओवरी है उसका साइज कम है, इसे कहते हैं हाइपोप्लेजिया, क्योंकि एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान कम सेल की वजह से। तो हमारा जो टॉपिक था आज सेलुलर अडाप्टेशन वो हमारे साथ हुआ कंप्लीट। अब हम आप लोगों के लिए लाए हैं टेलीग्राम चैनल्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स जिसमें हम डेली जो है नोट्स जो है वीडियोस बुक्स वगैरह शेयर करते हैं पास पेपर। अब अगर आप MBBS स्टूडेंट है तो आपके लिए चैनल है फर्स्ट टू फाइनल ईयर MBBS लेक्चर टेलीग्राम पर। दूसरा अगर आप BDS स्टूडेंट है तो आपके लिए है फर्स्ट टू फाइनल ईयर BDS लेक्चर्स। और उसके बाद ये तो टेलीग्राम चैनल हुए, उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप है हमारे साथ फर्स्ट BDS ग्रुप पर बॉयज के लिए अलग फर्स्ट ईयर के लिए और गर्ल्स के लिए अलग फर्स्ट ईयर के लिए। और उसके बाद जो है सेकेंड ईयर के लिए अभी तक सिर्फ बॉयज का हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप है। और उसके बाद हमारे साथ जो है वो थर्ड ईयर BDS भी सिर्फ बॉयज के लिए है जिसमें हर स्टूडेंट जो है वो नोट्स की रिक्वेस्ट कर सकता है, बुक्स की कर सकता है, वीडियोस की कर सकता है और अपने कॉलेज की भी शेयर कर सकता है। उसके बाद तमाम जो चैनल्स है और व्हाट्सएप ग्रुप है इन सब की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप यहां से डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।